हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी भजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हारमोनियम पर आप अंगुली फास्ट कैसे बजाएं, गले की आवाज़ खोलने में उपयोगी जो सहायक होता है मैं आपको बता दूं, वो होते हैं अलंकार। यदि कोई हारमोनियम सीखना चाहता है उसको ये भी पता नहीं है कि कौन सा बटन सा होता है, कौन सा रे होता है, कौन सा गा होता है, हम हारमोनियम कैसे बजाएं, हमारी तो फिंगर चलते नहीं है, हम ऐसे ऐसे करते हैं और हमारी जो उंगलियां हैं वो अलग जाती हैं, उलझ जाती हैं इन बटनों के अंदर, हमसे बजाना भी नहीं आता है। तो दोस्तों, वो घबराएं नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं अलंकारों का। तो दोस्तों, जो शुरुआत में सीख रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी आता है वो और सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से आपको नोटेशन के साथ, सबका जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि सर आप नोटेशन लिखें। तो दोस्तों, नोटेशन मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एडिटिंग के समय बहुत सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं ये भी करूँगा, जो नोटेशन है वो मैं वीडियो के अंदर डालूँगा। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट कर रहे हैं हम अलंकारों का टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अलंकार है, आज की वीडियो में हम केवल आपको अलंकार के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपको रेगुलर जो अलंकार है वो मिल जाए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर के अंदर हमने लिख दिया है आपको समझाने के लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अलंकार है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अलंकार यदि आप सीख जाते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे अलंकार बताऊंगा, लेकिन यदि आप 10-15 अलंकार भी सीख जाते हैं तो इन अलंकारों का प्रयोग भजनों के बीच में भी होता है, म्यूजिक के रूप में। अलंकारों का जो उपयोग है वो भजन को ख़त्म कर, जैसे हमारा जो भजन है वो कंप्लीट होता है उसके बाद में देने के लिए काम आता है। गले में किसी प्रकार की यदि कोई आपको मुरकी लेनी है या हरकत लेनी है उसके लिए भी काम आता है। और यदि आप अलंकार बजाते हैं तो आपको सुर की समझ आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। जो अलंकार होते हैं ये हारमोनियम फास्ट बजाने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर हम हारमोनियम थोड़ा बहुत बजाना जानते हैं लेकिन हमसे हारमोनियम तेज नहीं बजता है, अर्थात हमारी जो फिंगर है, अंगुलियां हैं, वो हारमोनियम पर फास्ट नहीं बज पाती है। जिस तरीके से बहुत सारे बड़े कलाकारों का आपने देखा होगा, बहुत फास्ट वो बजा लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे रीज़न होता है, उनको ये इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है अलंकारों की, सुर की समझ है उनको, सारे गामा पादा निशा किस तरीके से, इसलिए वो फास्ट बजाते हैं और थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों, मेन बात इसमें प्रैक्टिस की है। अलंकार यदि आपको पता है, केवल पता होने से बात नहीं है, आप उसको हारमोनियम पर भी बजाएं। यदि आपको अलंकार पता है लेकिन यदि आप हारमोनियम पर उसको नहीं निकालते हैं, नहीं बजाते हैं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप फास्ट नहीं बजा सकते। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो या आप पढ़ाई से संबंधित भी ले सकते हो, कोई भी यदि क्वेश्चन है जिसका आंसर यदि आप बार बार उसको नहीं पढ़ोगे तो आपको वो याद नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस दोस्तों हर काम में ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, अलंकार एक, अलंकार दो, इस तरीके से। दोस्तों, मैं चाहता तो एक वीडियो के अंदर 5 अलंकार भी बता देता, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं एक एक अलंकार हर वीडियो के अंदर बताऊँगा, ताकि आप एक अलंकार यदि रोज़ाना कभी आप तैयार करें तो आप बहुत सारे अलंकार आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं 5-5 अलंकार एक वीडियो में बताऊँगा तो आप एक भी अलंकार को सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे हारमोनियम के ऊपर। दोस्तों, एक एक अलंकार मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जो भी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा वीडियो के नीचे, उसको आप दबाएँ और आप जुड़ जाएँ हमारे चैनल के साथ हारमोनियम सीखने के लिए। तो दोस्तों, हारमोनियम जो अलंकार है ये हारमोनियम के अंदर बहुत भूमिका निभाता है। यदि आप अलंकार सीख जाते हैं तो आप कि जो अंगुलियां हैं वो आराम से प्ले होगी इसके ऊपर, जैसा चाहे वैसे आप अपनी अंगुलियों को बजा सकते हो हारमोनियम के ऊपर। दोस्तों, जो अलंकार है वो गले की आवाज़ को खोलने में उपयोगी होता है। मैं हर अलंकार के अंदर आपको बोल कर भी बताऊंगा किस तरीके से आपको अलंकार की प्रैक्टिस करनी है। गले में मुर की हरकत लेने में भी ये उपयोगी होता है और सुर की समझ, जैसे कहीं प्रोग्राम हो रहा है, यदि कोई बजा रहा है तो कौन सा बटन उसने दबाया ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये माँ है कि ये पा है या फिर दा है, वो होता है कि ये कौन सा कोड इसने लिया हुआ है। तो हम दोस्तों कोड भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार की बात करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ नॉर्मल जो वीडियो थी मैंने बताई आपको कि अब से हम अलंकार का जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं।
दोस्तों जो भी सीखना चाहते हैं आपके दोस्त भी आपके मित्र भी, तो आप उनसे भी कहें कि अलंकार का जो लेसन है वो स्टार्ट होने जा रहा है अभी से। हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको रेगुलर हम देते रहें। तो दोस्तों अलंकार 1, 2, 3 इस तरीके से आगे आपको अलंकार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो थी कि हम अलंकार का जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट अलंकार के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।